हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आप थंबनेल देख चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यूजी या पीजी की दोनों की बात किया जाता है। स्पेशल काउंसलिंग के लिए ये वीडियो परफेक्ट है क्योंकि पीजी की दो काउंसलिंग हो चुकी है और लास्ट काउंसलिंग इनकी बची है स्पेशल, जिसकी संभावना है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, क्या नॉट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो नॉट क्वालिफाइड हैं वे क्या काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और इनको कौन सा सीट मिल सकता है, किस प्रकार का सीट इनको मिलेगा, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले हम लोग कुछ रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो रैंक है उसी के अकॉर्डिंग आपका भी कमेंट्स करेंगे तो आपका अगले वीडियो में रिव्यू दिखा दिया जाएगा। समीर मौर्य पहला अभ्यर्थी रहा आपका, सर 7717 रैंक है, कहीं कुछ मिलेगा प्लीज़ रिप्लाई। इनको क्या मिलेगा, NRI सीट एग्रीकल्चर मिलेगा SBBP में मेरठ में। यदि मेरठ में नहीं बनता है तो आपका NDUP में आपको मिल जाएगा। समीर जी आपको यहाँ पे सीट लेना पड़ेगा NRI, क्योंकि आपकी रैंक थोड़ी अप है। फिर आपका ये PG की अभ्यर्थी हैं निमिता सिंह, सर मेरा कंबाइंड रैंक 391 है, मैं PG की स्टूडेंट हूँ, हमको कोई सीट नहीं मिला है, क्या स्पेशल काउंसलिंग में मुझे पेड या फ्री सीट या कोई मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है। तो इनको मेजर सब्जेक्ट मिलने के चांसेस कितना परसेंट है, तो आपका 60% है कि मेजर की चांसेस मिलने की, और 40% आपका है सीट, सीट तो मिलेगा लेकिन पेड लेकर जाइएगा मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा, पेड सीट लेकर जाइएगा। फिर आपको जो 40% के वो है, ये मेजर सब्जेक्ट नहीं माइनर सब्जेक्ट की बात किया जाता है, कैसे आपको सीट मिलने के चांसेस हैं ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। क्योंकि अभी ICAR PG और BHU PG दोनों का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, NTA ने अभी जारी नहीं किया है और कोई ऑफिशियल नोटिस भी अभी तक नहीं आई है। आई होप कि काउंसलिंग के पहले ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे क्लियर, ये 5 नवंबर के पहले आपका पूरा डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा दोनों का। तो यहाँ से सारे अभ्यर्थी जिनका ICAR में JRF में हो जाएगा वे UP कैटेट छोड़कर चले जाते हैं हर साल, और BHU में भी जिनका हो जाता है वो भी छोड़कर अपना चले जाते हैं। इसके वजह से आपको निमिता जी आपको सीट मिल जाएगी, पेड सीट लेकर जाइएगा, यदि काम लगेगा तो लगा लीजिएगा, अन्यथा आपका DD बनवा कर वापस लेते आइएगा। खुशी त्यागी, सर मेरी कंबाइंड रैंक 4248 है, मुझे थर्ड काउंसलिंग में BTEC बायोटेक मिल जाएगा पेड, प्लीज़ टेल मी। यस, फ्री सीट इनको मिलने के चांसेस हैं। आप पेड यदि ले जाना चाहती हैं तो DD बनवाकर आप 50,000 की ले जा सकती हैं, 50,000 की DD, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेड सीट की जगह फ्री सीट आपको मिल जाएगा। फिर आपका आ गई अर्चिता जायसवाल, सर मुझे बांदा हार्टिकल्चर फ्री सीट मिली है सेकेंड में, थर्ड में एग्रीकल्चर मिल सकता है, तो इनको एग्रीकल्चर मिलेगा फ्री सीट बांदा में। नेक्स्ट देखिए आपका सर्वेश अग्रहरी, अभ्यर्थियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक ही बार कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप डबल डबल कमेंट्स कर देते तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, यहाँ भी कमेंट्स कर देते फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है यूपी कैटेट 2021 का, जो भी अभ्यर्थी इसमें अभी काउंसलिंग के दौरान गुजर रहे हैं वे सभी इसमें ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइए, सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे दे दी जाएगी। सर्वेश अग्रहरी, मेरा AWS कंबाइंड रैंक 1291 है, मुझे मेरठ मिला था बायोटेक फर्स्ट राउंड में, आपने बायोटेक क्यों भरा था, आपको एग्रीकल्चर भरना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर मिल जाती सर्वेश, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं कराया तो क्या थर्ड में बायोटेक अयोध्या का मिल जाएगा। आप बायोटेक के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी बात है यदि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर भी मिलने के चांसेस हैं, तो आपको जाइए बिल्कुल फ्री, मेरे तरफ से गिफ्ट है आपका, 100% कन्फर्म आपका मिलेगा, क्योंकि आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है सर्वेश। नेक्स्ट आइए XYZ एग्रीकल्चरल, वाओ सर माई कंबाइंड रैंक 2755 है और XYZ एग्रीकल्चर नाम है लेकिन रैंक इनकी थोड़ी ख़राब है, और ग्रुप 1100 OBC से हूँ, पैड एग्रीकल्चर मेरठ मिलेगा क्या, यस XYZ एग्रीकल्चर आप जाइए, आपका सीट कंफर्म है, आपको मेरठ यूनिवर्सिटी वेट कर रही है, वेलकम है आपका।
अर्जुन निषाद, आइए सर, मेरी कंबाइंड रैंक 365 है, हॉर्टिकल्चर फ्री सीट मिलेगी, मिल सकती है ओबीसी। तो इनको मैंने गाइड किया था कब से, जब यूपी कैटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसके पहले से मैं इनसे मिला भी था और इनको गाइड भी किया था। बट मैं बताया था जहाँ पर आपको जाने के लिए, जहाँ से आपको पढ़ने के लिए, वहाँ से इन संस्था में ना जाकर, ये किसी अन्य कोचिंग के गलती, मैं इनकी नहीं दे रहा हूँ, इनको कोचिंग वाले ने चले गए, तो इनको मैं कितनी बार बता सकता हूँ अब, क्योंकि इन्होंने हमें व्हाट्सअप भी किया, डायरेक्ट इनसे बात भी हुई थी हमें ऑफलाइन में। तो इनको कोचिंग के लिए सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोचिंग के बहकावे में ना आइएगा। जिसको यदि कोचिंग करना है ऑफलाइन आकर के, तो एक बार हमसे ज़रूर गाइड ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा, वहाँ कोचिंग जाकर आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कमीशन के लिए बात करता हूँ, बट एक अच्छे के लिए, इनके भलाई के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनको मैंने गाइड किया था लेकिन ये भ्रमित हो गए, तो इनकी रैंक थोड़ी ख़राब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इनको मैं व्हाट्सएप पे बता भी दिया था, तो इनकी आइडिया आप लगा दीजिए, कि आप खुद कमेंट्स में बता दीजिए कि इनको कहाँ सीट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय प्रकाश सर, मेरा 1055 कंबाइंड रैंक है, मुझे बांदा हॉर्टिकल्चर मिला है, कहीं एग्रीकल्चर आपने गलती किया। जय प्रकाश, थोड़े दिन रुक जाते, सब्र कर लेते, थर्ड काउंसलिंग में आपको एग्रीकल्चर मिल जाती, लेकिन अब SBBP फ्री AG मिलने के चांसेस हैं आपको। आइए आगे बढ़िए। ज्ञानेंद्र यादव, BSc नर्सिंग सर, ऑफलाइन के लिए कंबाइंड UG रैंक PCB ग्रुप इनका 202 है और ग्रुप रैंक 260 है, मुझे BBSc और एनिमल हस्बेंड्री में चांसेस हैं। यस, इनके चांसेस हैं। फिर आगे बढ़िए। अखिलेश गुप्ता सर, मेरी रैंक 773 है, OBC है, क्या मुझे कहीं पे फ्री AG सीट मिलेगी? अभ्यर्थियों, अभी आप लोगों का, प्यारे दोस्तों, आपका कमेंट्स अभी रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी लाइव चल रही है क्लास। SBBP इनको मेरिट मिलेगा, मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई बाद में दे दूंगा और आपके कमेंट की रिव्यू अगले वीडियो में दे दूंगा। विशाल जौनपुर सर, मेरा 1602 रैंक है, मुझे हार्टिकल्चर NDUT मिला है, CSA में हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर मिल सकता है? CSA NDUT दोनों मिल सकता है, हार्टिकल्चर आपको, हार्टिकल्चर CSA ND दोनों मिल सकता है। आइए फिर आगे बढ़िए। वैभव सर, मेरी रैंक 789 है, कैटेगरी EWS से, मुझे फ्री सीट AG कहाँ मिल सकती है? CSA यूनिवर्सिटी या लखीमपुर कैंपस इनकी एग्रीकल्चर फ्री सीट मिल सकती है। आगे बढ़िए। आनंद सर, बीटेक एग्रीकल्चर के लिए कंबाइंड रैंक देखी जाती है या ग्रुप रैंक? तो यस, आप सभी लोगों को कंबाइंड रैंक देखी जाती है, ग्रुप रैंक तो आपके जानकारी के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसने यूपी कैटेट का जो रूल्स है इन्होंने जो बनाई है, तो वो अच्छी बात है कि वो सारे कैटेगरी रैंक, कंबाइंड रैंक और सभी चार प्रकार के रैंक दिए जाते हैं। इसको मैं क्लियर करके एक दिन वीडियो बना दूंगा, इस पर आपके सारे डिटेल में समझ में आ जाएंगे। अगला देखिए। अभिषेक कुमार तोमर सर जी, मुझे एग्रीकल्चर मिला है आजमगढ़ में, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन अभिषेक जी, थर्ड में मेरठ या CSA मिल जाए या पैड कंबाइंड रैंक इनको ये है। तो आगे बढ़िए। तो आप देखिए, यहाँ पर जो स्पेशल काउंसलिंग है, स्पेशल काउंसलिंग, तो इसमें पिछले साल क्या हुआ था, पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, रिव्यू किया है, कि कुछ अभ्यर्थी जो नॉट क्वालिफाइड हैं तो इनको भी कॉल लेटर या अलाटमेंट इनविटेशन लेटर इन्होंने यूपी कैटेट ने जारी कर दिया था, क्लियर, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो PH दिव्यांग थे, फ्रीडम फाइटर थे, जो कि नॉट क्वालिफाइड थे, और ST SC के स्टूडेंट थे। इनको क्या किया था यूपी कैटेट ने, जब सीट इनकी नहीं फुल हुई थी तो इन्होंने बुला लिया था, और किस टर्म पे बुलाते हैं ये लोग नॉट क्वालिफाइड वाले अभ्यर्थियों को, कि जो इनकी रैंक होती है नॉट क्वालिफाइड में चले जाते हैं, तो इनको बुला लिया जाता है। तो इनको किस प्रकार की सीट मिलती है, तो इनको जो सीटें मिलती हैं इनके कैटेगरी के अनुसार, या तो पैड सीट मिल जाता है, फ्री सीट नहीं मिलता है, फ्री सीट जो होती है ये नहीं मिलती है, पैड सीट मिलता है, या फिर आपका NRI सीट मिलती है। ये दशा जो कंडीशन है इनकी,
तो ये ओबीसी और जनरल के अब स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं ये यदि नॉट क्वालिफाइड ये हो जाते हैं तो इनको इनविटेशन लेटर नहीं मिलता है, क्योंकि जिनका लक एससी एसटी वाले का होता है उन्हीं को अलॉटमेंट लेटर मतलब इनको बुला लिया जाता है। आई होप आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कोई भी अन्य डाउट हो जा रहा है तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका रिप्लाई तुरंत हो जाएगा। थैंक यू।